गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू योर SST क्लास एंड स्टूडेंट्स. टुडे आई एम कंटिन्यूइंग योर चैप्टर 6 ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज़ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. इन माय प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन यू अबाउट दैट व्हाट इज़ इंडस्ट्री, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री एंड ऑल्सो द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री. I already explained you the different type of classification on the of industry on different basis, like size, on the nature of finished product, sources of raw material and ownership. Let us have a detailed study about all these things. First of all, come on the classification of industry on the basis of size. Size means ki industry kitni badi hai aur kitni choti hai. तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज और ऑन साइज इज डिवाइडेड ऑन द कैपिटल इनपुट ऑल्सो. साइज़ जो है हम ये भी देखते हैं कि पैसा कितना खर्च किया है इंडस्ट्री को लगाने के लिए, उसमें कितने नंबर ऑफ लेबर्स चाहिए हमें, तो और वो कितनी प्रोडक्शन कर रही है. ऑन ऑल दीज बेसिस वी डिसाइडेड द साइज़ ऑफ एन इंडस्ट्री. ओके, सो द साइज़ ऑफ एन इंडस्ट्री इज़ डिटरमाइंड बाय द कैपिटल इनपुट, नंबर ऑफ लेबर्स employed and the value of production accordingly. These industries are subgrouped into three categories. हमने इनको three categories में डाला है. तो size किन basis पर decide कर रहे हैं? On the basis of capital, on the basis of number of labors and value of production. Okay? Here we had decided this into three parts: cottage industry, small scale industry and large scale industry. देखो cottage industry वो industries है that are very smallest units, जो बहुत छोटी हैं और घर के अंदर ही, घर के family members की help से जो industries run कर रही हैं, they are known as cottage industry. So these are smallest manufacturing units. In cottage industry, craftsmen manufacture the goods by using local available raw material. Local available raw material को use कर रहा है और family members की help से ही वो अपने goods को produce कर रहा है. Like potters, blacksmith, weaver और craftsmen, they are come under the cottage industry. Now the small scale industries are those are little bit expanded from the cottage industry. Cottage industry से बड़ी हैं, छोटी मोटी मशीनरी से काम कर रहा है और few labor, और उसको बहुत कुछ less number of labor जो है वो required है. It requires small machines driven by power, small amount of capital investment and less human labor. ठीक है, द बेसिक रॉ मटेरियल इज ऑप्टेन फ्रॉम आउटसाइड इफ़ नॉट अवेलेबल इन लोकल मार्केट. रॉ मटेरियल बाहर से भी आ जाता है अगर वो लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो. ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास मेनली जो मार्केट आती है, मेनली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में प्रोडक्शन हम जो कर रहे हैं, पेपर इंडस्ट्री, टॉयज, फर्नीचर, एडिबल ऑयल्स, लेदर प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा, दे ऑल आर कम अंडर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. नाउ कम ऑन लार्ज स्केल इंडस्ट्री. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग द हैवी इंडस्ट्रीज दैट इंक्लूड लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लार्ज नंबर ऑफ मशीनरी और हैवी मशीनरी ऑल्सो, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो एट द लार्ज स्केल. That are industries, those are come under large scale industries. ठीक है, यहाँ पर example are iron and steel industry, cotton industry, heavy machines, tool, ship building, petrochemicals, etc. All these under the large scale industries. ये सारी के सारे हमारे पास large scale industries हैं. Okay, now come on the basic industries. These industries are grouped into two categories. Basic industries को मैंने आपको बताया था दो तरह की categories हैं, एक तो basic industry और दूसरी एक consumer. Basic industry कौन सी हैं? जो कि जिनका जो raw material है वो हम industries जिनका raw material हम फर्दर किसी और इंडस्ट्री में एज ए रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, जिसका फिनिश गुड हम फर्दर रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, दे आर नोन एज बेसिक इंडस्ट्रीज. जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में हमने स्टील प्रोड्यूस किया, स्टील की शीट्स बनाई और वो स्टील की शीट्स आगे यूज़ हो रही हैं बाय द यूटेंसिल्स इंडस्ट्री, बाय द मशीन्स एंड टूल्स इंडस्ट्री टू मेक द यूटेंसिल्स और मशीन्स और टूल्स, देन दे आर नोन एज बेसिक इंडस्ट्री. तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या है? बेसिक इंडस्ट्री है जो बाकी इंडस्ट्रीज को क्या प्रोवाइड करवा रही है? स्टील एज अ रॉ मटेरियल. ठीक है, तो वो बेसिक इंडस्ट्री है. और कंज्यूमर इंडस्ट्री, जैसे हमने जो प्रोड्यूस बनाया है वो डायरेक्टली यूज़ किया जा रहा है बाय द कंज्यूमर, दैट इज़ कंज्यूमर इंडस्ट्री. लाइक रेडियो, लाइक टीवी, लाइक टी, सोप, बिस्किट, ब्रेड, ऑल दीज आर अंडर द कंज्यूमर इंडस्ट्री. ये कंज्यूमर इंडस्ट्रीज के अंडर आते हैं.
basis of raw material, we divided the industry into four parts: agro-based, forest, mineral and animal. आप सबको पता है agro-based कौन सी हैं, जो raw material कहाँ से ले रहे हैं, agriculture से. Forest, जो raw material कहाँ से ले रहे हैं, forest से. और animal, जो raw material कहाँ से ले रहे हैं, animal से. और mineral, जो raw material कहाँ से ले रहे हैं, mineral से. Here we have the example of all these. Okay, you can read it thoroughly. ये मैं आपको कल बता चुकी हूँ, that's why I am going fastly here. Now come on the ownership. On the basis of ownership, we divide the industry into four parts: public sector, private sector, joint sector and cooperative sector. Okay, now first, public sector. When the ownership and management of an industry is in the government, is in the hand of government or its department. Public sector कौन सा है? जब industry की ownership और management किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में है, दैट इज़ कॉल्ड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री. हम उसको क्या कहते हैं? पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री. ठीक है, रन्स दीज इंडस्ट्रियल यूनिट्स भिलाई स्टील प्लांट, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड आर सम ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज. ये सारी की सारी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं. ठीक है, जो किसके द्वारा चलाई जा रही है? बाय द गवर्नमेंट. Private sector is owned and managed by an individual, family, corporate body. Individual invest their own capital or capital is raised through loans. अब यहाँ पर private sector वो industries हैं जो कि एक individual, एक व्यक्ति, मेरी industry है तो वो मैं ही owner हूँ और मैं ही पैसा लगा रहा हूँ, मैं ही profit लूँगा, तो वो क्या है? वो private sector है. इसमें group of persons भी हो सकते हैं जो इकट्ठे मिलकर किसी industries को run करें. ठीक है, तो ये प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं. नेक्स्ट इज जॉइंट सेक्टर. जॉइंट सेक्टर इज ओन्ड एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ जॉइंटली मैनेज करते हैं. ये कि गवर्नमेंट और एक इंडिविजुअल पर्सन दोनों ने मिलकर एग्रीमेंट किया कि हम दोनों एक इंडस्ट्री को रन करेंगे. ठीक है, दे आर कम अंडर जॉइंट सेक्टर. वो जॉइंट सेक्टर में आ जाता है. इंडियन ऑयल रुचि बायोफ्यूल्स LLP, इंडियन ऑयल पेट्रोल्स, ये सब हमारी जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं. राइट, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट, कोऑपरेटिव सेक्टर. इसको ध्यान से समझना है बच्चे. दो तरह के मेंबर्स जब इकट्ठे होते हैं, कौन से दो तरह के? वो एक तो वो जो मशीनरी के लिए पैसा लगा रहा है और दूसरा वो जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवा रहा है. और दोनों ने मिलकर एक इंडस्ट्री को रन करने का डिसाइड किया, दैट इज अंडर द कोऑपरेटिव सेक्टर. वो कोऑपरेटिव सेक्टर है, ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि बिलोंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से बिलोंग भी करते हैं. ठीक है, अमूल मिल्क इंडस्ट्री हमारी लज्जत पापड़ महाराष्ट्र में, दैट इज़ कम अंडर दिस. शुगर इंडस्ट्रीज अगर हम चलें तो वो भी कोऑपरेटिव सेक्टर के अंडर आती है. ठीक है, तो ये कोऑपरेटिव सेक्टर है. ओके, सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. नाउ द नेक्स्ट, दीज डेज बहुत सारी MNCs हैं, मल्टी नेशनल कंपनीज आर देयर, जैसे पेप्सी है, कोकोला है, अब वो भी सेटअप हुई हैं इंडिया में. मल्टी नेशनल कंपनीज़ क्या होती हैं, पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है. ये वो कंपनीज होती हैं जो बिलोंग्स तो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री से करती हैं, बट दे सेल देयर प्रोडक्ट्स एंड दे हैव द ब्रांचेज इन द मेनी अदर कंट्रीज ऑल्सो. लाइक अमेरिका की एक कंपनी है, वो बिलोंग कहाँ से करती है? अमेरिका से. मेन हेडक्वार्टर कहाँ है? अमेरिका में, बट उसकी ब्रांचेज इंडिया में भी हैं, इंग्लैंड में भी हैं, चाइना में भी हैं. तो वो क्या है? वो मल्टी नेशनल कंपनी है. तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपने प्रोडक्ट्स दूसरे कंट्रीज़ में भी सेल कर रही हैं और अपने अपनी इंडस्ट्रीज़ भी उनकी दूसरे कंट्रीज़ में रन कर रही हैं. ठीक है, तो MNCs, पेप्सी, कोको कोला, दे आर अंडर MNCs. इंडिया की भी कुछ कंपनीज़ जो है वो अब MNCs में टर्नड हो गई हैं. दे ब्रिंग लार्ज फॉरन इन्वेस्टमेंट. जो MNCs हमारे यहाँ पर आकर सेट होगी वो क्या करेगी? वो बहुत सारा पैसा यहाँ लगाएगी, फॉरेन कंपनी यहाँ पर अपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट करेगी, हमें बेटर टेक्नोलॉजी देगी, हमें स्टैंडर्ड अच्छी क्वालिटी के गुड्स को प्रोड्यूस करना सिखाएगी. तो इस तरह से MNCs जो हैं वो डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट दोनों को प्रभावित करती हैं, लार्ज कंपटीशन रेज करती हैं फॉर द कंट्री. ठीक है, चलिए, द नेक्स्ट इज फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री. अंडर दिस वी हैव टू बी लर्न दैट विच आर द फैक्टर दैट अफेक्ट द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री. कौन से फैक्टर हैं जो किसी
इंडस्ट्री की लोकेशन को प्रभावित करते हैं, ठीक है। दिस टॉपिक आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके।